उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बुलडोजर एक्शन पर अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। इस बीच हमीरपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल हमीरपुर में हुई एक शादी में दुल्हन के पिता ने दूल्हे को बुलडोजर दिया है। इस मामले में दूल्हे का नाम भी चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूल्हे का नाम योगेंद्र प्रजापति उर्फ योगी है। 15 को मेरी शादी थी देवगांव से, तो हमारे ससुर साहब ने हमें जेसीबी गिफ्ट में दिया हुआ है, क्योंकि देने के लिए तो बहुत कुछ था, मगर जैसे फोर व्हीलर देते, कोई कार देते, खड़ी रहती, काम नहीं लगता। ये कि समाज के लिए देखा जाए तो नई पहल है, हम काम देंगे, कुछ लोगों को भी काम मिलेगा, ये उनका पर्पज था। कहीं कहीं काम करेगी तो उससे हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये अगर फोर व्हीलर मिलती, खड़ी रहती, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता, उससे दो बंदों को रोजगार चल रहा है, और उससे बेनिफिट भी है भी कि जैसी भी चलेगी तो कुछ फ़ायदा होगा। सब इस पर्पज से हमारे ससुर साहब ने ये डिसाइड किया कि जैसी भी देते हैं। बस पापा ने एक उपहार के तौर पे गिफ्ट ये बुलडोजर दी हुई है और कुछ नहीं है। तो देने का उद्देश्य क्या था उस बुलडोजर? मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, तो कुछ बड़े होते हैं जिनके उनके रिचुअल्स वगैरह सब, उस वजह से उनकी बात भी माननी पड़ती है, वो अपना बात रखते हैं, तो इस वजह से अभी ये शादी करनी पड़ी। और रही बात मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, वो आगे चलेगी। बुलडोजर जैसे आपने वो पापा ने अपने उपहार के तौर पे दिए और उसका और वजह नहीं है, और कोई बुलडोजर दी हुई है उसकी और कोई वजह नहीं है देने की।